आपका जो वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है वो उसमें जो आपके आएंगे प्रश्न उनको हम आज की वीडियो में बताएंगे, क्योंकि मेरे पास जो आपका आ चुका है पूरा पेपर। और आज की वीडियो में जो हम आपको बताएंगे कि आपका जो पेपर है वो पूरा किससे आया है, अभ्यास प्रश्न पत्र से। और हम आपको जो है सीधे पेपर बता नहीं सकते, इसलिए जो हम आपको बताएंगे कि आपके जो अभ्यास प्रश्न पत्र हैं उनमें से कौन से क्वेश्चन जो है आपकी वार्षिक परीक्षा पेपर में आए हैं। तो मेरे पास जो आपका चुका है 100% पूरा रियल पेपर जो है मेरे पास आ चुका है। और अगर आप आज की ये वीडियो देख लेते हैं तो आप जो है 100% जो पूरे 75 में से 75 का पेपर करके आएंगे। आप जो है 1 मार्च आपका हिंदी का पूरा पेपर जो है आप गर्दावड़ा कराएंगे, अगर आपकी आपने जो है आज की वीडियो देख ली। 75 में से 75 नंबर लेकर आएंगे आप लोग, और हम आपको बताएंगे कि आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो आपके पेपर में जो पूरा पेपर जो है आपका कक्षा 10वीं का वार्षिक परीक्षा हिंदी का पेपर, वो पूरा आपके चारों प्रश्न पत्र सेट आ बा सा दा आपके अभ्यास प्रश्न पत्र से बना है। तो आज की वीडियो हम बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपके जो है वार्षिक परीक्षा पेपर में आए हैं। ठीक है, तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो देखिए, सबसे पहले तो जो है आपका सेट आ है, इसमें से जो है आपके सही विकल्प में तीन विकल्प आए हैं किससे, सेट आ से। तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहला आया है चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है, तो कैसा है, अर्ध सम्मात्रिक छंद। कैसा है, अर्ध सम्मात्रिक छंद। ठीक है, फिर इसके बाद जो है अगला आया है वह धीरे धीरे रोने लगा, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, तो किसका है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आपका एक रिक्त स्थान में भी आया है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां खाल स्थान तक चलती थी, तो कहां तक चलती थी, कार्तिक मास तक। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है एक ये आया है कि कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ खाल स्थान की तरह चमक रही थी, तो किसकी तरह, चांदी की तरह। ठीक है, फिर इसके बाद जो है दो आए हैं आपकी सही जोड़ी से। ठीक है, तो पहला है, एक आया है पहला उत्साह कविता, तो एक आह्वान गीत। ठीक है, और दूसरा आया है क्या, सफ़ेद पोश, तो इसका हो जाएगा क्या, भद्र व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें से जो है आपका एक वाक्य और सत्य सत्य नहीं आया है। फिर इसके बाद जो है आया है आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 6वां, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। ये जो है आपका आपको अभी पढ़ लेना है, जो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं अभी उनको रट लेना है, क्योंकि यही प्रश्न जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से इन सभी प्रश्नों को जो है तैयार कर लीजिए। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, रीतिकालीन किसी एक कवि का नाम लिखिए और उनकी रचना का भी नाम लिखिए। ठीक है, तो रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। फिर इसके बाद जो है इसका अथवा में क्वेश्चन क्या है कि नई कविता की 2 विशेषताएं, तो ये जो आपको आपके सेट जो आपका आ नंबर का है, इसका 6वां प्रश्न और इसका अथवा प्रश्न, ये आपके वार्षिक परीक्षा में ये वाला जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये आपका जो है वार्षिक परीक्षा का जो आपका पेपर है उसका सेट आ जो है, वार्षिक परीक्षा का पेपर सेट आ उसका जो है ये 8वां प्रश्न है। ठीक है, कौन सा प्रश्न है, 8वां। ठीक है, फिर इसके बाद जो है इसमें से एक जो आपका ये आया है 13वां प्रश्न। ठीक है, स्वयं प्रकाश और मन्नू भंडारी की जो है भाषा शैली और 2 रचनाएं आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये 2 नंबर का आपका प्रश्न है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो कमेंट कीजिए, इसकी जो हम फुल आंसर सहित वीडियो बनाएंगे, आपको तुरंत जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन क्या था आपका, इसके बाद जो है 3 नंबर में आपको जो है ए सेट से पेपर में क्वेश्चन आएगा, वो होगा आपका देखिए ये वाला जो है आपको अथवा में आएगा, कोई भी सेट हो ये वाला आपको जो है आना ही आना है। ठीक है, ये जो आपका सेट आ का जो है 18वें क्वेश्चन का अथवा वाला है, इसमें जो इसके आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आपको एक आएगा क्या, एक आना है आपको लास्ट का क्वेश्चन है, इसमें विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, ये वाला जो आपको निबंध कर लेना है याद। ठीक है, इसकी भी वीडियो हम जल्दी से जल्दी बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं आपके सेट बी से कौन कौन से क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा के पेपर में आएंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका अभ्यास प्रश्न पत्र सेट बा है, तो इसमें से जो है आपको देखिए 2 क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, एक तीसरा और एक ये जो है 5वां, इन दोनों को छोड़ के जो है आपको सभी जो है इन सब को पढ़ लेना, क्योंकि सभी जो है यही आई हुई हैं आपके सही विकल्प। ठीक है, ठीक है, और सही विकल्प जो है आपके यही आए हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है रिक्त स्थान में से जो है इसमें रिक्त स्थान में जो है आपको दो आपको पढ़ लेनी है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के खालिस्तान से लिया गया है, तो बालकांड से ये लिया गया है। ठीक है, और इसके बाद जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद तो कितने होते हैं, 8। ठीक है, और गंतुक से खालिस्तान किलोमीटर की दूरी पर यूंगाम है, तो 149। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आपके जो है सेट बी में से और बिल्कुल भी विकल्प ये प्रश्न नहीं आएंगे आपको जो है इसमें। फिर जो है आपको ये वाला पढ़ लेना है, सूरदास और जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं कलापक्ष और 2 रचनाएं। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है किसी एक का। ठीक है, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है 3 नंबर में जो है आपको इसमें से भी एक प्रश्न आया है। ठीक है, 3 नंबर में से आपको क्या आया, बादल गरजो घेर घेर गोर गगन, ये वाला जो है आपका 18वां क्वेश्चन में आया है 3 नंबर का। ठीक है,
और फिर जो है 20वें क्वेश्चन में भी नहीं, इसके बाद जो है इसमें जो है आपको पर्यावरण प्रदूषण का भी जो है निबंध आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है सेट सी देख लेते हैं, तो सेट सी में से जो है आपको ये सही विकल्प एक भी नहीं पढ़ना है, और इसमें से जो है दो बस आपको जो है रिक्त स्थान पढ़ने हैं, ठीक है। एक है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को खालिस्तान कहते हैं तो क्या कहते हैं, अलंकार, ठीक है। और एक है कि गंतुक का मतलब खालिस्तान है तो क्या है, पहाड़, ठीक है। तो ये दो बस आपको पढ़ लेने हैं, और फिर इसके बाद जो है आपको सही जोड़ी में जो है ये आपको एक ये झरना आंसू लहर ये और आपका बंटी, ये दोनों बस नहीं पढ़नी, बाकी एक दो तीन चार ये जो है आपको पढ़नी है, ठीक है। ये दोनों बस नहीं पढ़नी है, आपका बंटी और झरना लहर आंसू, और बाकी इन सभी को पढ़ लेना है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है इसमें जो है एक वाक्य में उत्तर बिल्कुल इसमें से भी नहीं आएंगे और इसमें से भी नहीं आएंगे, सत्य असत्य, ठीक है। और छठवां जो क्वेश्चन है ये आपका नहीं आएगा, इसके बाद जो है आठवां जो है आपको यही देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है, आठवां और इसका अथवा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है दसवां भी आपको यही देखने को मिलेगा, ग्यारहवां भी यही देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है उन्नीसवां में भी आपको जो है यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, यही वाले क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपको आगे के क्वेश्चन जो है आपको 19वें के बाद 20वें में जो है मेरे प्रिय शिक्षक पर एक अनुच्छेद आएगा लिखने के लिए, ठीक है। और ये आएगा वीरों का कैसा होगा बसंत, ठीक है, ये आएगा। और इसके बाद जो है सबसे ज़्यादा जो है आपका सेट सी में से आएगा पेपर, ठीक है। फिर इसके बाद जो है अगला डी सेट, तो उसको जो है उसमें से हम आपको बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका जो है सेट डी की जो PDF है वो सेट डी की वो हो गई मुझसे डिलीट, तो आज की वीडियो में जो है हम आपको सेट डी के बारे में जो है नहीं बता पा रहे कि कितना आएगा सेट डी में से। बाकी जो हमने आपको क्वेश्चन बताए वो आप रट लीजिए, क्योंकि असली पेपर जो है मेरे पास आ चुका है, आपका 100% रियल पेपर मेरे पास आ चुका है। मैंने जो है आपको क्वेश्चन बता दिए कि कौन कौन से आपको आने वाले हैं, तो अगर आपने उन सभी क्वेश्चन को पढ़ लिया तो आप जो है 75 में से 75 नंबर लाएंगे, ठीक है, गर्दा उड़ा कर आएंगे आप लोग। 1 मार्च का जो मेरे पास आ चुका है पूरा पेपर हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। अब सेट डी बचा है, तो उसमें से जो है हम आपको अगली वीडियो में जो जल्दी जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे और उसमें से बता देंगे कि डी में से कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। जब तक जो है जो क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं वो अच्छे से याद कर लीजिए। हम लोगों की मजबूरी है कि हम जो है आपको पेपर प्रोवाइड नहीं करवा सकते, क्योंकि हमें जो है अगर हमने आपको पेपर बता दिया क्वेश्चन बता दिए तो हमें जो जेल हो जाएगी और जो जुर्माना भी बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए हम जो आपको पेपर नहीं बता सकते। बाकी जो है क्वेश्चन जो हमने बताया उनको आपको रट लेना है, क्योंकि वही क्वेश्चन जो है 1 मार्च को आपको पेपर में वही बिल्कुल सेम देखने को मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको जो है कक्षा 10वीं के सभी विषयों के रियल पेपर चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है रियल पेपर हैं पूरे विषयों के, ठीक है। तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को कर दे क्या लाइक आप लोग, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो चलते हैं आज की वीडियो में, इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।